हमारी सेलिब्रिटीज की वाह वाह कैसे होती है, वो वाह वाह जो जिनके बारे में आप नहीं जानते, बाकी वाह वाह तो आपको पता है कि दूर से ही रुबीना अशरफ को देखेंगे, शगुफ्ता एजाज को देखेंगे, आपको देखेंगे तो आ जाएंगे ऑटोग्राफ लेने, लेकिन एक्चुअली जो ये वाह वाह तो मिल गई ना, एक्चुअली अंदर वाली वाह वाह भी तो चाहिए होती ना, घर वाली, बच्चे, मियाँ, रिश्तेदार, ये अच्छा लगता है ना वैसे औरत को, हाँ है ना, हाँ, लेकिन ये किसी को नहीं लगती इतनी सारी वावा साथ नहीं मिल सकती, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कभी कभार, हाँ, मतलब ये कि ठीक है, बहुत हाँ, लोगों की ऐसी साइड की आदत नहीं होती खुल के तारीफ करना, हाँ, लेकिन आपको खुद पता चल जाता है उन्हें देख के कि हाँ, और बेसिकली बात यही है ना कि आप अपने लिए करते हैं, वो अपने लिए करती हैं, शी लव्स डूइंग व्हाट शी डज, आई लव डूइंग व्हाट आई डू, आई डोंट केयर हमें इज गिविंग मी अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट इज अ प्लस, लेकिन क्योंकि मैं मजाक समझती हूं, मैं आपसे यही कह रही थी कि औरतें ये अगर बात जान लेना जो आपने जानी है कि हम अपने लिए करते हैं, हमें अपने लिए खुश होना, तो एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट ही खत्म हो गया, और मुझे क्योंकि उनका मिजाज पता है कि तारीफ करने का अंदाज क्या है, एग्जैक्टली अगर वो फरमाइश कर रहे हैं इसका मतलब अच्छा लगा है तो फरमाइश की है, हाँ, तो ये मैं इस चीज की मोहताज नहीं हूँ कि जो ना आपने तो भाई कमाल कर दिया आपने तो ये I don't want that. I'm not dependent on his compliment. I know whether I'm doing it right or not. Exactly. आपको खुद पता होना चाहिए. Because आप लोग confident हैं. तो मुझे पता है कि मैं अच्छा गाना बना रही हूँ. मुझे पता है. अच्छा. सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू.